सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में जो आईपीएस ऑफिसर्स का ट्रेनिंग होते हैं वो 104 वीक्स का होते हैं, 2 साल का। उसी में मसूरी में 15 वीक्स के ट्रेनिंग के बाद 50 वीक के लिए आते हैं यहाँ पर। अभी 46 वीक 74 आरआर को हुआ है, अभी तक 74 बैचेस यहाँ से निकल चुके हैं, अभी लास्ट 74th वाले निकलने वाले हैं। और उसके बाद ये लोग डिस्ट्रिक्ट पुलिस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जाएंगे 30 वीक्स, उसी में पुलिस स्टेशन का में थानेदार बनकर रहेंगे और इंस्पेक्टर, और बाकी जो जिस स्टेट में उनका अलाटमेंट हुआ है उसी स्टेट में कैसे पुलिसिंग होता है उसके संबंध में पूरा सीख करके आएंगे। इसके लिए उनको जो ट्रेनर एसपी जिस जिला में जाते हैं उनको वो टेक केयर करते हैं, वहाँ के समस्या से उनको उनको पढ़ाते हैं और एक्सपीरियंस देते हैं। उसके साथ साथ हम लोग मेंटर भी रखे हैं कि जो कुछ सीनियर अफसर जो वेल वर्सड हैं पुलिसिंग में वो उनका उनका हैंड होल्डिंग करेंगे, उनको मार्गदर्शन देंगे, जो भी प्रोफेशनल और पर्सनल लेवल में कोई भी समस्या आते हैं उस गाइडेंस के लिए एक एक ऑफिसर को हम लोगों ने चुन करके दिया है। और ये लोग जब वापस आएंगे तो 10 वीक्स का और भी ट्रेनिंग होते हैं, वो फेज 2 कहा जाता है, उसके साथ साथ उनको 104 वीक्स का ट्रेनिंग कम्प्लीट हो जाता है। इसी बीच में इनका काफ़ी अटैचमेंट्स हैं, जैसे वो आर्मी के साथ अटैचमेंट है, BSF के साथ में अटैचमेंट है, इलेक्शन अटैचमेंट, वो भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं उसमें बेचते हैं, और इलेक्शन का सारे डिटेल्स को उनको समझने का इलेक्शन कमीशन के परमिशन से वहीं पर जानकारी के लिए वहाँ सीखने के लिए बेचते हैं। साथ साथ अभी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है मीडिया मॉड्यूल, उसमें मीडिया के साथ में कैसे व्यवहार करना है, सोशल मीडिया और मास मीडिया को कैसे टैकल करना है, करेक्ट नैरेटिव और कोई भी सिचुएशन को कैसे लोगों को समझाना है, संबंध में भी हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। साथ साथ आउटडोर ट्रेनिंग में सारे PT परेड, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग से लेकर के सारे गेम्स का भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और इंडोर में अभी जो परंपरागत बोलते हैं कि ट्रेडिशनल जो क्राइम को डील करने के तरीके के साथ साथ जो न्यू एज क्राइम हैं, जो नए एमर्जिंग एरियाज हैं, साइबर क्राइम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी, इकोनॉमिक ऑफेंसेस, ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस, इसको कैसे टैकल करना है, संबंध में भी हम लोग पूरी तरह जितना पॉसिबल हो उतना ट्रेनिंग देते हैं। और इसमें हमारे IPS ऑफिसर्स के साथ साथ 29 फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज, 4 कंट्री से लोग आए हैं, नेपाल, भूटान, मालदीव्स और मॉरिशियस, ये 4 स्टेट में 29 ऑफिसर्स अभी हैं। जहाँ तक यहाँ के कंपोजिशन की बात है कि अभी 23% इसी 166 IPS ऑफिसर्स में 23% वुमेन है, और पिछली 2 बैचेस में जो बेस्ट प्रोबेशनर वो लेडी ऑफिसर आए हैं, और इनका भागीदारी अभी बढ़ते जा रहा है। 1972 में जस्ट 1 ऑफिसर लेडी ऑफिसर ज्वाइन किए पहले बार IPS में, अभी 23% तक आगे बढ़ा है। और हम लोग वुमेन पार्टिसिपेशन पुलिसिंग में ज़्यादा बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, इसलिए कि वो उनको उनसे ये समस्या को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कमज़ोर वर्गों को समस्याओं को, महिला बच्चे को समस्याओं को, इसलिए उनका भी भागीदारी को हम वेलकम करते हैं। आई एम दीक्षा फ्रॉम राजस्थान, खेत्री टाउन ऑफ झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। I've done my graduation in from IIT Delhi in BTech from textile technology, and since then I gave UPSC examination, came here in 2021 batch. We've been doing our training in outdoors and indoors in Police Academy since March of 2022, and we've learned a lot in different subjects ranging from swimming, shooting, etc. to indoor subjects like forensics, communication, and all. Hereafter, we'll be going for practical training, district training in our cadres. I'll be going to Bihar, where we'll learn about the laws and the culture of the state. And thereafter, we'll come here for another phase 2 of the training. And thereafter, we'll get independent charges in the state itself. నా పేరు నిత్య రాధాకృష్ణన్. నేను సేలం డిస్ట్రిక్ట్ తమిళనాడు నుంచి. I did BTech IT in VIT University, Vellore. IPS ముందు నేను ఆడిట్ అండ్ అకౌంట్ సర్వీస్లో వర్క్ చేశాను. దాని ముందు నేను IT ఇండస్ట్రీలో కూడా వర్క్ చేశాను. మళ్ళీ ఇక్కడ 1 ఇయర్ ట్రైనింగ్ అయింది. ఇప్పుడు మాకు ఒక 1 మంత్లో డిస్ట్రిక్ట్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఐఎమ్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు ఇట్. మై నేమ్ ఈజ్ మహేష్ బాబాసాహెబ్ గీతే. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ అహ్మద్ నగర్, మహారాష్ట్ర.
and now going to Telangana cadre. And now I completed my first phase of training and going for the district practical training. और मुझे एक करीमनगर डिस्ट्रिक्ट मिला है फर्स्ट DPT के लिए. और अब जब ये हमारी जो ट्रेनिंग होती है जिसका हमने फर्स्ट फेज अभी कंप्लीट किया है, तो मैं उसे एक 3 पार्ट में डिवाइड करूँगा. तो हमारा फर्स्ट पार्ट मैं कहूँगा कि इंडोर ट्रेनिंग होती है. अभी इंडोर मीन्स जो भी हमें जो सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है, जैसे लॉज है, IPC CRPC हो गए, दूसरे जो फॉरेंसिक है, तो बाकी ऐसे एक 9 सब्जेक्ट है जो हमें इंडोर स्टडी में पढ़ाए जाते हैं, जिनका यूज़ हम जो केस इन्वेस्टिगेशन है और बाकी चीज़ें है जो फील्ड में, उसके लिए उनके उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं. अभी दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है आउटडोर ट्रेनिंग का. तो आउटडोर में हमें एक बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोजर दिया जाता है. उसमें जो फिजिकल ट्रेनिंग है, PT बोलते हैं, वो तो हर दिन होता है. वो छोड़ के बाकी एक स्विमिंग है, जैसे एक इक्विटेशन है, उसके बाद जो कुछ टैक्टिक्स होते हैं जो कि हम नक्सलाइज्ड रीजन में यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद ड्रिल भी है, और जैसे वेपन ट्रेनिंग है, और बाकी और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें आउटडोर में एक पढ़ाया जाता है. और इंडोर आउटडोर छोड़ के एक हमारा स्पेशल ट्रेनिंग होता है जिसे हम थोड़ा अटैचमेंट हम कहेंगे, जो कि जैसे हमारे जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे ITBP है, BCF है, CRPF है, या हमारी इंडियन आर्मी है, हमारा तेलंगाना का ग्राउंड्स है, तो उनके साथ हमें एक 8-8 दिन का स्पेशल ट्रेनिंग दिया जाता है, जो कि उसका एक मेन पर्पज़ ये होता है कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़े, जो पुलिस का और उस ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कोऑर्डिनेशन है फील्ड पे, उसको समझे, और उसका फिर हम हमारे जो जब हम फील्ड पे जाएंगे तो उसका हम ठीक से उसका यूटिलाइज कर सके, इसलिए हमें वो ट्रेनिंग दिया जाता है. तो मैं यही कहूँगा कि ये 3 पार्ट में हमारा ट्रेनिंग था, इंडोर, आउटडोर एंड अटैचमेंट. और जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैं यही कहूँगा कि जब मैं यहाँ फर्स्ट दिन आया था 28 मार्च 2022 को, और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तो मैं जब आया था एक पूरा अलग पर्सन था, और अभी पूरा ऐसा कहूँगा कि ये मुझे पूरा ट्रेनिंग एक ट्रांसफॉर्म कर दिया है. तो इस ट्रेनिंग को मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेनिंग कहूँगा. और इसने मुझे मतलब सारी हमें मेंटल, फिजिकल और सारी ऐसा कहूँगा कि पूरा ओवरऑल हमें बहुत डेवलप किया है ये ट्रेनिंग से. आई एम वलय वैद्य, आई एम एन IPS प्रोबेशनर ऑफ 2021 बैच, गेटिंग ट्रेन्ड हियर एट द एकेडमी, नेशनल पुलिस एकेडमी. वी हैव बीन अंडरगोइंग दिस बेसिक कोर्स ट्रेनिंग सिंस लास्ट 46 वीक्स, एंड वी हैव 2 मोर वीक्स टू गो बिफोर वी कम्प्लीट दिस, एंड वी आर गोइंग टू पास आउट सून फ्रॉम द अकेडमी. We in last 11 months we have been exposed to various fields of both indoor as well as outdoors, ranging from forensic science to special laws, IPC, CRPC or digital forensics and investigation techniques and so on. To in outdoor section we have been exposed to various activities like horse riding, firing, riot control drill, parade, physical training, swimming, you know, artificial wall climbing and so on. It has been a very tremendous and transformative journey so far. We have been exposed to a lot of things which we had never imagined before that we would be exposed to, or we would be even able to do. A lot of our fears have been overcome, and I think it has been a really, really transformative year so far in my life. Mera naam Mohit Rawat hai, and I am from Palwal district of Haryana. I did my BTech in computer science from IIT Mandi 2011 to 2015. After that, for 2 years, I was working in a private job, mostly in Hyderabad only. D. Shaw is the name of the company I was involved with. And then I started preparing. Currently, I am an IPS officer of 2021 batch. I have just completed my phase 1 training. My POP is day after tomorrow. Regarding the basic course, I want to say is that recently, as Director Sir also pointed out, that TNA has been done with training needs analysis, wherein the whole schedule was revamped and more focus is being given to the new age crime. For example, economic offences, transnational crimes, cyber crimes. A specialized wing has been created for the IT sector, NDCRTC, wherein people from the private sector and the government sector are hired to train us. Because most of the data nowadays are being carried in the mobile and laptop of the people,
So that actually helps in crime detection. So if that tech savvy police is being considered, then that is being really focused in the current curriculum of the academy.